हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार बारिश से जनजीवन खासा प्रभावित है। मनाली में भी अब जनजीवन पटरी पर नहीं लौट पाया है। कुल्लू के कई इलाकों में अब भी हेलीकॉप्टर के जरिए सरकार राशन सामग्री लोगों तक पहुंचा रही है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण पैदा हालात से 323 सड़कें अब भी बंद है। उधर 397 विद्युत ट्रांसफार्मर और 78 पानी सप्लाई की योजनाएं भी ठप पड़ी हुई है। प्रदेश में अब तक मॉनसून सीजन में 189 लोगों की मौत और 218 लोग घायल, 34 लोग अभी भी लापता है। इनमें सड़क हादसे में भी शामिल है। सोमवार को चंबा जिले में सनवाल भंजिराडू सड़क पर चुकियानी नाले में बड़ा हादसा होने से बच गया। यहाँ पर सनवाल से 45 यात्रियों को लेकर भंजिराडू ले जा रही बस अचानक बस के टायर के दलदल में फंस गए। चालक ने जैसे ही बस आगे निकालने का प्रयास किया तो टायर दलदल में धंसता चला गया और बस एक तरफ से झुकने लगी। इस दौरान सवारियां एकदम डर गई। भारी बारिश की आशंका के चलते कुल्लू जिले में स्कूल और शिक्षण संस्थाएं 5 अगस्त तक बंद किए गए हैं। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने ये आदेश जारी किए हैं। कुल्लू में 1 अगस्त को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बाढ़ से हाईवे को हुए नुकसान का जायजा लेने आ रहे हैं। फिलहाल हिमाचल में अगले 5 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अभी भी बाढ़ और बादल फटने से सूबे में तबाही का दौर जारी है। जुलाई में प्रदेश में सबसे ज्यादा 206% बारिश किन्नौर जिला में हुई। किन्नौर में सामान्य वर्षा 64.2 mm होती है, जो इस बार अब तक 196.6 mm दर्ज की गई।